प्रायोजक हैं होटल फाइव सेंसेस, एके टेंट एंड केटर। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सीडीओ की अध्यक्षता में व्यापारी बंधुओं की बैठक हुई संपन्न, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। गढ़ा थाना क्षेत्र के शातिर अभियुक्त व आधा दर्जन से अधिक मामलों में वांछित युवराज सिंह उर्फ राज सिंह को जिला अधिकारी द्वारा एनएसए के तहत किया गया निरुद्ध। अखंड सौभाग्य व मंगल कामना को लेकर महिलाओं ने रखा हरितालिका तीज व्रत। पूर्व विधायक, पूर्व शासन अध्यक्ष, लखनऊ व गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर शहीद रविंद्र सिंह की 43वीं पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर किया गया नमन। पर्यटकों व वॉक करने वालों की सुरक्षा को लेकर अब नौकायन और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों को किया जाएगा डायवर्जन, पुलिस सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात। गणेश चतुर्थी पर्व पर मूर्तिकार 24 घंटे मेहनत कर गणेश प्रतिमाओं की पूरी कर रहे मांग। एसपी ट्रैफिक व आरटीओ के नेतृत्व में टू व्हीलर वाहनों के नंबरों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। अवैध वसूली के खिलाफ एसआईसी ने डॉक्टरों व कर्मचारियों को दिए कड़े निर्देश, कहा दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। विभिन्न संगठनों ने मिलकर निकाला नेत्रदान जागरूकता रैली एवं अंधत्व बोध पदयात्रा। जिला चिकित्सालय की ओपीडी में वायरल बुखार, निमोनिया और पीलिया के मरीजों की बढ़ी संख्या। और इंसाफ मिलेगा, हिंदी फिल्म के पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने किया प्रमोशन, टीम को दी बधाई। शासन के निर्देश के क्रम में सीडीओ संजय कुमार मीणा के नेतृत्व में व्यापारी बंधुओं के साथ विकास भवन सभागार में बैठक की गई। बैठक के दौरान व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को सुनकर उन पर प्रभावी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में भी व्यापारियों से जानकारी प्राप्त की गई। वहीं मौजूद संबंधित अधिकारियों को व्यापारियों से जुड़ी हुई समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में व्यापारी बंधु मौजूद रहे। आप बता रहे हो ना रेती वाला जो रेती पर हम लोग, अरे वर्ष 1973 से उस मंडी में हम लोग हैं। एक साल से मैं देख रहा हूँ, साल में कैसे क्लासिक अच्छी हो गया, वहाँ पे बिल्डिंग कैसे बन गया सर, वो वहीं पर आपसे मिल करके वो भी कुआ था। आप अलग सब अधिकारी हैं, वो नहीं भी अलग है, वो आपका अरे जो ज्योति ग्योल के मकान है ना अंदर वाली, वो अलग मामला, वो अलग है, अंदर वाली है अलग। जाना था तो उसमें नगर निगम की तरफ से कहा गया है कि पार्षद और क्षेत्रीय निवासियों द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है। जनपद में वरिष्ठ प्रशिक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चला जा रहे अभियान के तहत गगहा थाना क्षेत्र में विगत 2021 मार्च माह में शिव शंभू मौर्य और उनके नौकर संजय पांडे की हत्या की घटना हुई थी, जिस संबंध में गगहा थाने की पुलिस ने विवेचना के दौरान अभियुक्त युवराज सिंह व उनके अन्य साथियों के नाम प्रकाश में आए थे। इस घटना से पूर्व मार्च 2021 में ही रितेश मौर्य की भी हत्या की घटना हुई थी। घटना से संबंधित मुख्य अभियुक्त राज सिंह उर्फ युवराज सिंह के विरुद्ध जिलाधिकारी द्वारा एनएसए के तहत उसे निरुद्ध किया गया है। बता दें कि इस शातिर अपराधी के ऊपर आधा दर्जन से अधिक संगीन मामले गगहा थाने में दर्ज हैं। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। गोरखपुर के थाना गगहा क्षेत्र में मार्च 2021 में एक शिव शंभू मौर्य व उनके नौकर संजय पांडे की हत्या की गई थी, जिस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 103/21 थाना गगहा पर पंजीकृत किया गया था।
इसी से पूर्व मार्च 2021 में ही रितेश मौर्य नामक व्यक्ति की भी हत्या थाना गगा क्षेत्र में हुई थी, जिस संबंध में 83/21 मुकदमा अपराध संख्या थाना गगा पर पंजीकृत किया गया था। इन दोनों मुकदमों में प्रकाश में आए अभियुक्त युवराज व उसके अन्य साथियों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया था। यह हत्या बेसिकली 2013 में हुए एक हत्याकांड के संबंधित थी, जिसमें मृतक व्यक्ति जो हैं उस हत्याकांड के जो वादी पक्ष उनका सहयोग करते थे, जिसके चलते उनकी हत्या हुई थी। इस घटना की गंभीरता को देखते ही पूर्व में ही इन सभी अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जा चुकी है और चार्जशीट लगा करके जो चार्जशीट है वो माननीय न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है। इस घटना से संबंधित एक अन्य अभियुक्त के ऊपर पूर्व से ही NSA में निरुद्ध किया गया है। इसी के चलते युवराज सिंह सन ऑफ राकेश सिंह, जो कि थाना गगा का रहने वाला अपराधी है, उसको माननीय जिलाधिकारी महोदय जनपद गोरखपुर के द्वारा NSA के अंदर निरुद्ध किया गया है, जिसका नोटिस तामील करा दिया गया है। इन सभी मुकदमों की पैरवी माननीय न्यायालय में की जा रही है और जल्द से जल्द इन सभी मुकदमों में इन अपराधियों के विरुद्ध सजा कराने के पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। हर तारीखा तीज पर्व पर मंगलवार को महिलाएं निर्जल व्रत रखकर पति की दीर्घायु की कामना पूरे विधि विधान के साथ कर रही हैं। बता दें कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का इस पर्व में अनुष्ठान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं, साथ ही परिवार की मंगल कामना भी करती हैं। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया, भादो मास की तृतीया को महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए और कुंवारी बच्चियां भी इस व्रत को रखती हैं अपने विवाह के लिए, सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए। आज का ये व्रत निर्जला रहता है और इसकी मान्यता ये है कि गौरी जी जब उनको शिव जी को अपने वर के रूप में उन्होंने चाहा तो उनके पिताजी के पास, हिमालय जी के पास बहुत ही ऑफर आया, भगवान विष्णु जी का भी ऑफर आया कि वो विवाह उनसे, इतनी सुयोग्य कन्या है, होना चाहिए। तब वो चली जाती हैं और कंदराओं में पहुंच के अपनी सहेली के साथ 3 दिन का अखंड इस व्रत का करती हैं और बालू से वहाँ पे शिवलिंग बनाती हैं और पूजन अर्चन करती हैं। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं उनके इतने तप से, और तभी से मान्यता है कि अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत हमारे सौभाग्यवती स्त्रियाँ करती हैं। और बहुत खुशी की बात है कि आज के दिन मैं भी व्रत हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, आपके परिवार को कुशल मंगल की कामना करती हूँ। ये पति के साथ साथ सर परिवार के लिए भी मंगल कामना का ये व्रत होता है। जब हम लोग पूजन करते हैं तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब की शुभता की कामना करते हैं। और आज के इस पावन अवसर पे आप लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। कुछ भी नहीं है, पौराणिक कथा के अनुसार हमारे सनातन धर्म में पार्वती जी ने पुनः शिव जी को पाने के लिए जो संकल्प लिया था आज के दिन, वो हर साल हम सारी महिलाएं करते हैं और करते रहेंगे। यहाँ पे हम बहनों ने सभी ने मिलके एक कार्यक्रम रखा है तीज का। तीज के कार्यक्रम में बहुत सारी बहनें आई हुई हैं। हम लोग सुबह से ही अपने पति की लंबी आयु द्वार के लिए व्रत पूजा ये सब कर रहे हैं और सुबह तक करेंगे। पूर्व विधायक, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर शहीद रविंद्र सिंह की 43वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन छात्र संघ भवन पर किया गया। इस मौके पर शहीद रविंद्र सिंह की मूर्ति पर MLC CP चंद, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह व पूर्व विधायक सहजन व शीतल पांडे सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री, छात्र संघ धीरज सिंह हरीश, पूर्व अध्यक्ष सत्यपाल पाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सर थोड़ा साइड हो जाइए, सर 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 देख लीजिए।
रविंदर सिंह अमर रहे, रविंदर सिंह अमर रहे, रविंदर सिंह का नाम रहेगा जब तक सूरज चाँद रहेगा, रविंदर सिंह का नाम रहेगा जब तक सूरज चाँद रहेगा, रविंदर सिंह का नाम रहेगा, रविंदर सिंह अमर रहे, अमर रहे, रविंदर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, रविंदर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे जब तक सूरज चाँद रहे। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह व पूर्व विधायक सहजन व शीतल पांडे ने बताया। तिथि में छोटा कार्यक्रम आयोजित किया गया, मुझे खुशी है कि मुझे इसमें हिस्सा लेने का मौका मिला। जरूरत है इस बिल्डिंग को ठीक कराने का, हम लोग इस पे कार्य करेंगे। मेरे मन में आया है, मैं छात्र संघ के पुराने जो भी पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठूंगा और एक इसमें एक म्यूज़ियम बनाने पे हम लोग चर्चा करेंगे कि यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया जाए और कैसे छात्र संघ की एक्टिविटी को आगे बढ़ाया जाए, इस पर विश्वविद्यालय कार्य करेगा। देखिए आज छात्र संघ भवन पर हमारे नेता नौजवानों के दिलों के धड़कन और पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के किसान मजदूरों के नेता रविंद्र सिंह जी एकमात्र नेता थे जिनके मरने पर स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने कहा था इट इज माई पर्सनल लॉस। रविंद्र सिंह जी नौजवानों की आवाज़ थे, पूरे देश में चाहे जेपी का मूवमेंट रहा हो, चाहे बेरोजगारी के खिलाफ लड़ा आंदोलन रहा हो, चाहे महंगाई के खिलाफ रहा हो, और जब चौधरी चरण सिंह ने छात्र संघ को बैन कर दिया था उस लड़ाई को भी रविंदर सिंह जी ने लड़ा था और हम लोग उनके सहयोगी रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है, हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान उनके संघर्षों से प्रेरणा लेकर के अत्याचार अनाचार के खिलाफ संघर्ष करें। नौकायन व आसपास के क्षेत्रों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, ऐसे में भीड़भाड़ व वाहनों के प्रवेश को लेकर वहां जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत अब जनपद पुलिस प्रतिदिन सुबह व शाम को 5 बजे के बाद सर्किट हाउस, ट्रांसपोर्ट नगर, तिराहा आदि स्थानों पर यातायात कर्मियों की ड्यूटी लगाकर वाहनों को डायवर्जन करने का कार्य किया जाएगा। साथ ही पार्किंग स्थलों पर ही वाहनों को पार्क करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरे से लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने बताया के लिए बेहतर पुलिस सुविधा हो इसी को मद्देनजर रखते हुए गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रतिदिन शाम को 5 बजे से सर्किट हाउस के सामने ट्रांसफॉर्मर तिराहा के पास ट्रैफिक ड्यूटी लगवा कर वहाँ पे डाइवर्जन करवाया जाएगा। 5 पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं, जो दिग्विजयनाथ पार्क के अंदर दोपहिया वाहन सामने की ओर एवं पीछे की ओर 4 पहिया वाहन के लिए सर्किट हाउस के बाहर सर्किट हाउस की पार्किंग भर जाने के बाद गंभीरनाथ प्रेक्षागृह की पार्किंग को भी प्रयोग में लाया जाएगा। प्रातःकाल में सैर करने वाले लोगों के लिए सुबह को 5 बजे से 8 बजे तक पैडलेगंज से लेकर नौकायन तक ताल के किनारे वाला जो पथ है वहाँ पे कोई भी मोटरेबल व्हीकल अलाउड नहीं होगा, ताकि वहाँ पे जो सैर करने वाले लोग हैं, दौड़ने वाले हैं, साइकिल चलाने वाले लोग हैं, वो अपना आराम से बिना किसी चिंता के वॉक कर सकें और रनिंग कर सकें। एवं इसके साथ साथ पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी से चाक चौबंद किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की चुनौती की या इस प्रकार की रोड रेज की या स्टंटबाजी की घटनाएं ना हो। एवं मैं गोरखपुर के निवासियों से अपील करता हूं कि आप सभी लोग इस नई व्यवस्था में सहयोग करेंगे एवं डाइवर्जन में एवं पार्किंग में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करेंगे, ताकि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। सर, सीसीटीवी की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जाएंगे? सीसीटीवी की निगरानी के लिए 2 कंट्रोल रूम पेडलेगंज चौकी एवं नौकायन चौकी पर स्थापित किए जाएंगे, जिससे कि पेडलेगंज से लेकर नौकायन चौकी तक एवं नौकायन चौकी से लेकर पैदल पार्क जो 1.5 किलोमीटर लंबा है, जेटी के तरफ का जो एरिया है वो चप्पा चप्पा थर्ड आई त्रिनेत्र की नज़रों में रहेगा। एवं कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की घटना ना कारित कर पाए, इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि सभी कैमरों का हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन कैमरे जो है लगाए जाए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह, हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935908111। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। विगत 2-3 वर्षों से COVID-19 को लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया था। इस वर्ष हर धार्मिक अनुष्ठान को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गणेश चतुर्थी पर्व पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित होने वाली गणेश प्रतिमाओं की मांग खूब हो रही है। वहीं कारीगर भी इन मांगों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कारीगरों का कहना है कि महंगाई की वजह से थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर पड़ा है, लेकिन लोगों में पर्व को लेकर जबरदस्त उत्साह और हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। इस संबंध में श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए मूर्तिकार टिंकू प्रजापति ने बताया, सर बिक्री तो कुछ डाउन है, लेकिन इस बार उत्सव मतलब उल्लास बहुत ज़्यादा है। हर त्योहारों का मतलब मनाने का उत्सव ज़्यादा है इस समय। लगभग 2 साल कोविड की वजह से मूर्तियाँ नहीं स्थापित हो पाई, अब 20 साल हो रही है। हाँ, इस समय सर काफ़ी मूर्ति स्थापित हो रही है। इस समय मूर्ति का मांग बहुत ज़्यादा है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा धीमा है। क्या रेट है मूर्तियों का? मूर्ति का तो सर रेट कोई ज़्यादा नहीं लग पा रहा है। जैसे कस्टमर भाई कह रहे हैं, आए हैं सर, जानबे कर रहे हैं, 2 साल से कोरोना काल में ही हम लोग परेशान थे, इस बार बढ़िया से होना है, तो थोड़ा सा भी जानी 2 साल से हम लोग का मद्दर रहा है हर चीज़। बड़ी मूर्तियाँ बन रही है कि नहीं? सर इस समय बड़ी मूर्ति का कोई विशेष मांग नहीं है, सब मीडियम तरीके की मूर्ति का मांग बहुत ज़्यादा हो रहा है इस समय। पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह व संभागीय परिवहन अधिकारी अनिता सिंह के नेतृत्व में सोमवार की शाम मोहंदीपुर चौराहा और रेलवे स्टेशन के बाहर सघन चेकिंग अभियान चलाकर मिटे हुए नंबर प्लेट के वाहन स्वामियों को रोककर उन्हें रजिस्ट्रेशन पेपर आदि चेक किया गया, जिसमें वाहन नंबर प्लेटों से छेड़छाड़ करने वाले टू व्हीलर वाहनों पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया। जो वाहन स्वामी रजिस्ट्रेशन पेपर प्रस्तुत नहीं कर सके, ऐसे 13 वाहनों को सीज कर दिया गया। साथ ही रेलवे स्टेशन के सामने खड़ी 17 बसों का भी चालान कर दिया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक यातायात ने लोगों से अपील की है कि अपने वाहनों पर आगे और पीछे सही नंबर वाली हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाएं और ऑटो चालक अपने ऑटो के बाहर लगे एंगल को हटवाएं। इस मौके पर RTO संजय नाथ झा, BK सिंह, यातायात निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह, मनोज कुमार राय, अजीत कुमार पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया, मेरे और RTO के द्वारा संयुक्त रूप से मोहंदीपुर चौराहे पर और रेलवे स्टेशन पर अवैध रूप से खड़े हुए वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने अपनी गाड़ी पर साफ नंबर प्लेट नहीं लगाई है अथवा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगाई है, ऐसे सभी वाहनों को रोक रोक कर ऐसे 235 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई और सभी का 5,000 रुपये का गलत नंबर प्लेट लगाने के जुर्म में चालान किया गया और 17 वाहन हम लोगों ने सीज भी किए हैं, जिनमें कुछ ऑटो भी शामिल हैं। और मेरा सभी से ये अनुरोध है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाएं और वाहन का नंबर आगे और पीछे दोनों तरफ लगाएं, जिससे पढ़ने में आसानी से
नंबर को देखा जा सके। जिला चिकित्सालय में आए दिन धनुगाही की शिकायत मिलने के बाद अब स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। बता दें कि SIC डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर द्वारा सभी चिकित्सकों व संबंधित थाने की पुलिस को सूचित कर बेवजह अस्पतालों में घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है। साथ ही OPD में मरीज दिखाने को लेकर होने वाली धक्का मुक्की पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर वार्ड बॉय व संबंधित सुरक्षा कर्मियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसी भी आरोप में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। इस संबंध में श्रीमन संवाददाता से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के SIC डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने बताया। उन लोगों से पहले बातें हुई, फिर आगे क्या बात हुई मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं था, डॉक्टर साहब अपने चैम्बर में थे, डॉक्टर साहब के चैम्बर के बाहर ही ये घटना घटी है। तो फिर उन लोगों ने मेरे पास आया, उन्होंने पूछा स्टाफ है, नहीं वही रुपये का पर्ची उसे लिया था अपना क्या रहा सर। बताया जा रहा है कि काफ़ी दलाल घूम रहे हैं OPD में और आए दिन मरीजों को अपना शिकायत बनाते हैं जी, इनके लिए किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? इनके लिए मैंने अभी आज भी बोला है, यहाँ के नगर निगम पुलिस इंचार्ज चौकी को मैं खुद भी घूमता हूँ, खुद भी देख रहा हूँ उस पर, और कोशिश कर रहा हूँ कि जितने दलाल किसी को और डॉक्टरों साहब को भी, मैं जितने हमारे डॉक्टर भाई बंधु हैं सबको मैंने एक ऑर्डर पास कर दिया है कि उनके कमरे में वार्ड बॉय के अलावा कोई नहीं रहे, कमरे के बाहर मतलब वार्ड बॉय के अलावा कोई नहीं रहे, और बाहरी मरीज को देखे तत्काल के नहीं तो डॉक्टर साहब खुद और डिपार्टमेंट पूरा उनका जिम्मेवार है। भारत सरकार द्वारा आयोजित नेत्रदान पखवाड़े 25 से 28 सितंबर तक आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नेत्रदान जागरूकता रैली एवं अंधत्व बोध पदयात्रा का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली को ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर नेत्र सर्जन डॉक्टर वाई सिंह, दिव्यांगजनों के साथ उत्थान के लिए सक्षम संस्था गोरखपुर अप्लाथमिक एसोसिएशन एवं रोटरैक्ट क्लब के पदाधिकारियों ने सीतापुर आई हॉस्पिटल से रैली निकालकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को नेत्रदान के लिए जागरूक किया। नेत्रदान जागरूकता पखवाड़ा के रूप में इस सप्ताह को मनाता है, जो इस पूरे 15 दिनों के जो है टाइम पीरियड को, और इस बार जो है सक्षम ने यह निर्णय लिया कि इस नेत्रदान महा कहा गया है कि जीते जीते रक्तदान, मतलब हम हर 3 महीने बाद स्वस्थ मनुष्य रक्तदान कर सकता है, तो जीते जीते रक्तदान, और जब हम जाएं तो हम अपना जो है अपने नेत्र को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दे के जाएं जो दुनिया न देख पा रहा हो, और आपके नेत्र से वह दुनिया देखे, तो यकीन मानिए आपके ऑप्थाल्मिक एसोसिएशन की जय, मेडिकल कॉलेज की जय, इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह व वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर वाई सिंह ने बताया। हाँ, मेडिकल कॉलेज और जितने भी और डॉक्टर साहब ने सारे लोग मिलकर के हम यात्रा निकाले हैं, और निश्चित है सबसे बड़ा दान नेत्रदान ही है, क्योंकि जब किसी के पास आँखें नहीं रहती हैं तो फिर वो सब कुछ दुनिया में सब कुछ रहते हुए उसके लिए सब बेकार है। तो हम गोरखपुर वासियों से भी अनुरोध करेंगे, क्योंकि जब जीवन समाप्त हो जाता है उसके बाद आंखें उनकी झिल्ली निकाली जाती है, जो भ्रांतियां हैं उसको भी लोग समझें, और ऐसा कुछ नहीं, नेत्रदान करके दूसरे को नया जीवन दें, यही हम लोग सबसे। सरकार द्वारा इसके क्या कदम उठाए जा रहे हैं नेत्रदान? सरकार तो हर स्तर से, चाहे आप देखें शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर तरफ सरकार अच्छा काम कर रही है। जो गोरखपुर हमेशा इंसेफ्लाइटिस के मकर जाल में फंसा रहता था, हमारे तमाम छोटे छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे काल के गाल में समा जाते थे, आज के डेट में बहुत ही सुधार हुआ है। हम लोग भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान जागरूकता पखवाड़े के रूप में मनाते हैं, और इस दौरान हम लोग लोगों को नेत्रदान के लिए जागरूक करते हैं। उसी के संदर्भ में आज एक नेत्रदान जागरूकता रैली निकाली गई, जो कि सक्षम गोरक्ष प्रांत और गोरखपुर ऑप्थाल्मिक एसोसिएशन और रोटरैक्ट क्लब के माध्यम से ये रैली निकाली गई लोगों को जागरूक करने के लिए। हमारे वहाँ ऐसे करीब 1 करोड़ के आसपास मरीज हैं जो कार्निया के वजह से, जो काली पुतली होती है उसके वजह से अंधापन है उनके अंदर, जिसका इलाज हो सकता है। जिला चिकित्सालय की OPD में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वायरल बुखार, निमोनिया और पीलिया के भी मरीजों में तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है। बता दें कि पिछले साल की तुलना में इस बार बारिश कम हुई है, इसका असर अब बच्चों की सेहत पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चे इन बीमारियों की जद में आ रहे हैं। वहीं जिला चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक मरीजों का लगातार इलाज कर रहे हैं। आपका ब्लड प्रेशर
मनीष भैया भेजें क्या आपको? हमसे क्या चाहते हैं? इस संबंध में सिटीजन संवाददाता से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के SIC डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने बताया, OPD की संख्या पिछले एक हफ्ते से करीब 300-400 बढ़ी है, क्योंकि हमारे एक चिकित्सक इसमें आ गए हैं जो इनका ट्रांसफर हो गया था, उनके आने से मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। और इधर आज हमारे पास पीडियाट्रिक्स के भी लोग आ गए, तो इसमें भी वृद्धि हो रही है। और किस तरह के मरीज आ रहे हैं? इस दौरान सर्दी बुखार ये सब बुखार के आ रहे हैं अधिकतर, इसको कुछ डायरिया के भी कुछ कुछ आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम सर्दी बुखार सबके मरीज आ रहे हैं, बदन हाथ दर्द इसके आ रहे हैं। वर्तमान समय में जो भर्ती मरीज हैं उनकी क्या संख्या है सर? वर्तमान समय में जो भर्ती मरीज हैं उनकी जो है करीब 239 है टोटल उसमें। ब्राइट फ्रेम फिल्म के तत्वावधान में इंसाफ मिलेगा हिंदी फिल्म को MX प्लेयर और हंगामा प्ले पर एक साथ दो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के ऐतिहासिक सफलता के मौके पर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में प्रमोशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने फिल्म की फोटो सेट का अनावरण किया। वहीं मुख्य अतिथि ने मौजूद कलाकारों व फिल्म से जुड़े हुए सभी सदस्यों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया, आज प्रेस क्लब में इंसाफ मिलेगा नामक वेब फिल्म का आज प्रमोशन हो रहा है। इस उद्घाटन समारोह में मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ निर्माता निर्देशक सभी कलाकारों के प्रति कि उन्होंने एक सोच के साथ एक मंच दिया, उसे चलचित्र के रूप में वेब फिल्म बनाया। और ये सबसे बड़ी बात है कि भले ही सोच जब अच्छी होगी तो उसका आगे जाके उसका बहुत अच्छा भविष्य होगा। उस भविष्य के निर्माण में पहला ही कदम भले छोटा पड़े लेकिन मजबूत कदम रहे, ऐसे मजबूत कदम के द्वारा ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है कि पूर्वांचल की ये धरती गोरखपुर जो है, गोरखपुर की इस धरती के ये सब कलाकार हैं। दिन भर में बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। CDO की अध्यक्षता में व्यापारी बंधुओं की बैठक हुई संपन्न, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। जगहा थाना क्षेत्र के शातिर अभियुक्त व आधा दर्जन से अधिक मामलों में वांछित युवराज सिंह उर्फ राज सिंह को जिला अधिकारी द्वारा NSA के तहत किया गया निरुद्ध। अखंड सौभाग्य व मंगल कामना को लेकर महिलाओं ने रखा हरितालिका तीज व्रत। पूर्व विधायक पूर्व शासन अध्यक्ष लखनऊ व गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर शहीद रविंद्र सिंह की 43वीं पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर किया गया नमन। पर्यटकों व वॉक करने वालों की सुरक्षा को लेकर अब नौकायन और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों को किया जाएगा डायवर्जन, पुलिस सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात। गणेश चतुर्थी पर्व पर मूर्तिकार 24 घंटे मेहनत कर गणेश प्रतिमाओं की पूरी कर रहे मांग। SP ट्रैफिक व RTO के नेतृत्व में टू व्हीलर वाहनों के नंबरों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। अवैध वसूली के खिलाफ SIC ने डॉक्टरों व कर्मचारियों को दिए कड़े निर्देश, कहा दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। विभिन्न संगठनों ने मिलकर निकाला नेत्रदान जागरूकता रैली एवं अंधत्व बोध पदयात्रा। जिला चिकित्सालय की OPD में वायरल बुखार निमोनिया और पीलिया के मरीजों की बढ़ी संख्या।
और इंसाफ मिलेगा। हिंदी फिल्म के पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने किया प्रमोशन, टीम को दी बधाई। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।